तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जो कुदरत का निजाम है पाकिस्तान का, वो भाई किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जो है, बर्मुडा ट्रायंगल की आप बात कर लीजिए और बाकी जो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हैं भाई, वो सारी एक तरफ। लेकिन पाकिस्तान इतने सारे मैच हारने के बाद, टूर्नामेंट में नीचे लगने के बाद, भाई उनके चांस बन कैसे जाते हैं? मतलब हमने बार बार बात सुनी है कि भाई दुआओं में बहुत ज्यादा दम होता है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पिछले साल हमने देखा एक ऐसे एकदम कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट की में भी, जब वो इंडिया से हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, फिर भी आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ऐसे समीकरण बनते हैं कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है, पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल देन फाइनल चला जाता है, जिस चीज की पॉसिबिलिटी जिम्बाब्वे हार के बाद मैच कुछ चंद आप कह सकते हैं पॉइंट परसेंटेज था, लेकिन वो चीज हुई। और कहीं ना कहीं जो इस बार कह रहे थे, नहीं भाई इट कांट हैपन ट्वाइस, इट कांट, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस एट द सेम प्लेस, लेकिन इट हैपेंड, और भाई इट इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब जो समीकरण थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहे थे, अब बाकी सारे आप कह सकते हैं ना, वो पूरी कुदरती लग जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी हो पाए। अब देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि सेमीज में कौन जगह बनाएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान का भी एक बड़ा ब्राइट चांस है, लेकिन उसके लिए उनको मैचेस अपने जीतने होंगे जो कि टफ है। लेकिन इस वक्त अभी भी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज यही बन पा रही है कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान होगा क्या? पाकिस्तान जो रेस से आपको बाहर लग रहा था, ऑल ऑफ अ सडन अब वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ टाई हो गया है। न्यूजीलैंड का एकदम से कोलैप्स हो जाना इस टूर्नामेंट में, एकदम से डिक्लाइन आ जाना, चार मैचेस बैक टू बैक हारना, टॉप टीम से हारना, तो न्यूजीलैंड अर्ली पीक कर गया इस टूर्नामेंट में, या फिर आप कह सकते हैं उनके उस तरीके के हाईली कॉम्पिटेटिव मैचेस बाद में ही होने थे जहां पर न्यूजीलैंड अच्छी तरीके से टेस्ट हुआ। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जी, वो है जिसने आप कह सकते हैं कि सबको यकीन दिला दिया, भाई ये कुदरत का निजाम है क्या चीज? अब कुदरत जो है, नेचर, वो क्यों हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को? अब आपके सामने वेदर अपडेट चला देते हैं जी। ये वेदर अपडेट है 9th of November 2023, यस यू गेस्ड इट राइट, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के लिए मस्ट विन गेम है इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, ये उस दिन की तारीख है। श्रीलंका, उनके पास कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल में जाने का, लेकिन वो एक काम कर सकते हैं, न्यूजीलैंड को हरा दें तो पाकिस्तान के लिए काम आसान कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान को खेल, मतलब पाकिस्तान को देन बस इंग्लैंड को हराना होगा, नो मैटर आपका एनआरआर क्या रहता है, उसका कोई मसला नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स पर ही रह जाएगा और पाकिस्तान इंग्लैंड गेम जीतकर 10 पॉइंट पर चला जाएगा। लेकिन अब हम कुदरत का निजाम इसमें क्यों बात कर रहे हैं, सीधा आ जाते हैं जी बारिश पर। बारिश ही पाकिस्तान को इस रेस में बचाकर रखी है। फखर जमान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी पारी खेली थी, फखर जमान ने एक धमाकेदार पारी खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन उसमें भी हमने देखा अगर गेम 50 ओवर का चलता तो भाई आपके लिए 400 रन करने इतने आसान नहीं होते, बल्कि ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होता है कि एक आध विकेट गिरी और कलैप्स हो जाना, अंडर प्रेशर वहां पर बिखर जाना, वो चीजें ज्यादा लाइकली होती है 50 ओवर के गेम में। लेकिन बारिश आई, फखर जमान का धमाल मचा, बाबर आजम ने अच्छी नॉक खेली और पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें अपने दम पर बरकरार रखी। लेकिन अब उनको ये है कि भाई मैच ही ना हो, सभी पाकिस्तानी फैंस ये होप कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ये न्यूजीलैंड फैंस को डराएगी और इस खबर को देखकर, इस विजुअल को देखकर पूरा पाकिस्तान झूम उठेगा। क्यों, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। ये है जी AccuWeather, जो सबसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं वेदर अपडेट्स की, वो हम आपके सामने लाए हैं। एंड दिस इज द AccuWeather रिपोर्ट फॉर 9th of November। ये गेम ड्यूरेशन की जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उनके अलग अलग आप कह सकते हैं जो स्टैट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज 74%, विच इज प्रीटी हाई। और ये गेम ड्यूरेशन की मैं आपको बता रहा हूं, 4-5 घंटे में, दो बजे से आपका वो गेम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अगर 4-5 घंटे भाई 74% की बारिश का अनुमान है तो ये बहुत खतरे की घंटी है न्यूजीलैंड के लिए। और कुदरत का निजाम वापस लौट रहा है, कुदरत जो हम बार बार कहते हैं कुदरत का निजाम फॉर पाकिस्तान, भाई दैट इज फॉर रियल, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण पिछले कुछ दिनों में बनते हुए नजर आए हैं वो काफी आप कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। दे मैं सरप्राइज यू, और आप सोचोगे, शॉक करेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे कि भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हो कैसे जाती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स भी बता रहा है, AccuWeather की रिपोर्ट है। अब एक और रिपोर्ट चला देते हैं जी, BBC Weather, वो भी आपको चला देते हैं और उसका भी आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली वहां पर अपडेट है। थैंक यू फजल। ये देखिए एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, ये 9th of November की है जी, 9th of November आपकी है, और उसमें मैं आपको गेम ड्यूरेशन की बता दूं, यहां पर कंपैरेटिवली कम है, यहां पर 40% गेम ड्यूरेशन, अगर आपको मैं बताऊं 40%, 43%,
47%, 37%, ये कंपैरेटिवली लो है, बट स्टिल थ्रू आउट द डे आपको रेन प्रेडिक्शन है, थंडरी शावर्स एंड अ जेंटल ब्रीज, ये प्रेडिक्शन है। और आप उसके आसपास वाले दिन भी देख लीजिए, 8 को भी है आपका, 9 को भी, 8-10 का भी इस तरीके का वहां पर माहौल रहेगा। लेकिन गेम ड्यूरेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं, 2 बजे से लेकर गेम ड्यूरेशन जो आपकी चलेगी अगले 7-8 घंटे, उसमें भी परसिस्टेंट बारिश की अपडेट है। और बैंगलोर में हम सब जानते हैं भाई, जब एक बार बारिश मूसलाधार पड़ गई तो देर इज नो लुकिंग बैक, फिर तो बारिश आपको गेम कंप्लीट नहीं करने देगी। अब सीधा आ जाते हैं जी, बारिश की प्रेडिक्शन तो आपको बता दी 70%, 60%, अब उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है पॉइंट्स टेबल पर। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, सारी ये डिस्कशन ही क्यों बन रही है, क्योंकि जो आपके लिमिटेड जो लीग गेम्स बचे हैं, इंडिया आपका क्वालिफाई कर गया है, इंडिया आपका क्वालिफाई कर गया है, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर गया है। तो आपके इंडिया 8 में से 8 जीत भाई, एक तरफा वहां पर आप कह सकते हैं इंडियन जॉगरनॉट वहां पर चला, और वहां पर एक तरफा हमारी जीत हुई है, और इंडिया ने बस आप कह सकते हैं कि भाई धमाकेदार तरीके से सेमीज में एंट्री करी है। साउथ अफ्रीका डिस्पाइट कि वो इंडिया से हारे हैं, नीदरलैंड से हारे हैं, उनकी 6 जीत है, वो सिक्योर कर गए हैं जी अपना सेमीफाइनल का टिकट। ऑस्ट्रेलिया लाइकली उन्होंने इंग्लैंड को भी हरा दिया, 7 में 5 जीत है, अब उन्हें अगले 2 मैचेस में 1 मैच जीतना है जो कि कंपैरेटिवली उनके हल्के गेम्स है, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से 1 गेम जीतना है ऑस्ट्रेलिया इन टू द सेमीज। 3 टीम पक्की है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। नाउ द बिग थिंग, न्यूजीलैंड जो आपकी है वो एक टाइम पर लग रही थी 4 में 4 जीत, लेकिन बैक टू बैक 4 लॉसेस से उनका बहुत ज्यादा मसला बिगड़ गया है। पाकिस्तान भी बैक टू बैक 4 गेम हारा था, लेकिन उन्होंने 2 बैक टू बैक गेम्स जीत लिए हैं, बांग्लादेश को हराया एंड देन न्यूजीलैंड को हराया, फखर जमान का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब जो हेड टू हेड गेम्स है, जो सबसे ज्यादा मजेदार गेम्स बनने वाले हैं, अफगानिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन एक लाइकली सिनेरियो की बात करते हैं कि भाई न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका 9 तारीख को गेम है, एंड देन आपका है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बाद में, तो पाकिस्तान होप कर रहा होगा कि ये वाला रिजल्ट उनके लिए चला जाए सही। अब आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 8 मैच में उनके 8 पॉइंट्स हैं, अगर उनका ये मैच वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि उनके एनआरआर बहुत ज्यादा है, न्यूजीलैंड ये मैच जीत रही है ना श्रीलंका से बाय एनी स्पेसिफिक मार्जिन, तो पाकिस्तान का फिर क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, और लेट अस सपोज टॉस भी आपके फेवर में नहीं गया, चीजें आपके फेवर में नहीं गई, आपको एक बड़े मार्जिन से वहां पर जीत हासिल करनी हो कि जब आप डिफेंड कर रहे हो टोटल, वो लाइकली नहीं रहता, क्योंकि आप देख रहे हो न्यूजीलैंड की जो एनआरआर है वो क्लोज टू 0.4 है, 0.398 अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं, 0.4 है पॉजिटिव में, वहीं पाकिस्तान की है 0.04, तो वो 3.35 का जो वो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है उतना मार्जिन आप। और न्यूजीलैंड जीतेगा डेफिनेटली, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत गया तो न्यूजीलैंड का तो एनआरआर ऊपर ही जाएगा ना, तो पाकिस्तान के लिए आखिरी गेम में बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाएगा। उससे सिंपल एक बात बता दो तो भाई पाकिस्तान फैंस यही चाहेंगे, हमें मैच नहीं देखना भाई, हमें मैच नहीं देखना, हम चाहते हैं कि मैच ही रद्द हो जाए, जिसका एक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान फिर यही होप करेगा न्यूजीलैंड और आपके श्रीलंका, श्रीलंका का कोई चांस नहीं है जी सेमीज का, बाहर हो चुकी है सेमीज की रेस से, तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका अगर गेम रद्द हो गया, वॉश आउट हो गया कंप्लीटली, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड 9 पॉइंट्स पर अटक जाएगा, और फिर वहां पर पाकिस्तान बस ये होप करेगा कि भाई हम अपना गेम जीत जाएं और आप पॉजिटिव में ही हैं। अफगानिस्तान का नेगेटिव में एनआरआर है, अफगानिस्तान के मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, बहुत डिफिकल्ट गेम्स है, अगर अफगानिस्तान दोनों मैच जीत रहा है तो ना न्यूजीलैंड ना पाकिस्तान दोनों बार, अफगानिस्तान एंट्री मार रहा है, और 2 मैच जीतेंगे तो भाई वो डिजर्व करता है, सिंपल से बात है फजल। 2 मैच अगर अफगानिस्तान जीत रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर वो कर जाते हैं तो भाई उससे ज्यादा, उस टीम से ज्यादा डिजर्व ही कोई नहीं करता फिर सेमीफाइनल्स में। तो ओवरऑल एक मैच है जो पूरी क्लैरिटी दे सकता है पाकिस्तान के फेवर में, वो है भाई कि आप वॉश आउट हो जाए, जो आपका न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका गेम है, और उसमें किन्हीं वेबसाइट्स पे 70% फोरकास्ट बताया जा रहा है थर्सडे का, और किन्हीं वेबसाइट्स पे आप देख रहे हैं 40%, लेकिन एक बात तो है बारिश की प्रेडिक्शन पूरी है, और जो गेम ड्यूरेशन है ना आपकी 2 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 2 बजे से अगले 6-7 घंटों में वहां पर बारिश का अनुमान है, अच्छा खासा अनुमान है, द प्रेडिक्शन इज रियली स्ट्रॉन्ग। तो कुदरत का निजाम भाई पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्री टूर्नामेंट एक ICC ने आर्टिकल भी शेयर किया था, मैंने वीडियो भी करी थी उस पे कि 6 विंस वॉन्ट बी इनफ, मतलब 5 विंस तो आपको होगा ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि भाई 5 जीत पर टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट,
बहुत कम होगा। आप टूर्नामेंट से पहले देखोगे इतना कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड कप है, किसी ने सोचा था इस तरीके की चीजें कि चौथी टीम वहां पर 5 जीत के साथ क्वालिफाई कर जाएगी? इनक्रेडिबल भाई, ये कुदरत का निजाम ही है, ये दुआओं का ही असर है और कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान 4 बैक टू बैक मैचेस हारा, उसके बाद डिजर्व नहीं करता था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन न्यूजीलैंड 4 मैचेस हार जाती है लगातार। इससे मतलब आप कह सकते हैं इससे बड़ा सरप्राइज किसी स्पोर्ट में मैंने नहीं देखा कि एक टीम के जाने के लिए समीकरण ऐसे बन रहे हैं, मतलब मानो कि एज इट हैज बीन डेस्टाइंड, ये डेस्टिनी है। पिछले साल आपने देखा, आपने सोचा ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट जो समीकरण था पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करने का, वो एक लाइकली बनता हुआ नजर आया। लेकिन उस सारे कुदरत के निजाम पर पानी फिर जाएगा अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को एक अच्छे खासे मार्जिन से हरा दिया या एक नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है वो कुदरत का निजाम जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जिंदा रखा हुआ है और आगे ही आगे लेके जा रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये कुदरत का निजाम भी आपके लिए तब तक है जब तक आपकी मेहनत होती जाएगी। पाकिस्तान टीम मेहनत करती रहेगी तो कुदरत का निजाम उसका साथ देता रहेगा। जैसा की रिजवान ने कहा था की अल्लाह तो सबका है, अल्लाह तो कोहली का भी है, एबी डिविलियर का भी है, दूसरों का भी है, तो अल्लाह पाक उसे ही देता है, उसे ही नवाजता है जो मेहनत करता है। पाकिस्तान टीम के लिए सारा कुदरत का इंतजाम हो जाए और आखिर में जाकर वो इंग्लैंड से हार जाए तो फिर भी अब यही कहेंगे कि कुदरत ने तो सब कुछ कर दिया, जो अपने जिम्मे था वो तो कर लेते, तो ये बात भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लिए जो बिल्कुल सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि श्रीलंका और फिर आप न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है उसमें जो मैच है 1:30 बजे उस वहां से 60% बारिश आपकी शुरू हो जाएगी, फिर बारिश का रेशो बढ़ता ही जा रहा है। ये हो सकता है कि आप कहें कि रेशो कम है तो कहीं ना कहीं से मैच चल जाएगा, लेकिन दोस्तों पूरी दिन की फोरकास्ट देख लीजिए, बेंगलुरु में पहले 60, फिर 70, 80 और फिर दोस्तों रात को तो 90% बारिश है, इतनी सख्त बारिश है। फिर आप सोच लें कि ये बारिश में मैच बिल्कुल धुलने वाला है, 1-1 पॉइंट दोनों को शेयर हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अगर 1-1 पॉइंट दोनों को शेयर हो जाता है तो फिर न्यूजीलैंड 5वें पर आ सकती है, पाकिस्तान सीधा 4थे पर, और पाकिस्तान के सामने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड जैसा पहाड़ खड़ा होगा जिसे पाकिस्तान ने हराना है। दूसरी तरफ देख लें कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता भी है तो सबसे खतरनाक टीम इंडिया टीम जिसकी खतरनाक तरीन बॉलिंग है उससे सामना होने वाला है, जो टीम किसी को 100 भी नहीं बनाने देती, आती है और दोस्तों सारी की सारी विकेट लेकर चली जाती है। वो टीम फिर पाकिस्तान के सामने भिड़ने वाली है, वहां पर सख्त तरीन लड़ाई होने वाली है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला तो जाएगा, लेकिन ये भी सोचना है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाकर रवायती हरीफ भारत को फेंटा भी लगाए और वहां पर उसे उसी के घर में यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर या फिर उसी एयरपोर्ट पर छोड़कर आए। अगर पाकिस्तान इतना नहीं कर सकता तो फिर आगे जाकर दोस्तों श्रीलंका जैसे हारने से बेहतर है कि पाकिस्तान टीम पहले ही कुछ सोच ले। लेकिन कुदरत का निजाम पाकिस्तान के साथ है तो वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। कुदरत क्या है दोस्तों? कुदरत है अल्लाह पाक की जात जो इस पूरे निजाम को चला रही है, और आज पूरे हिंदुस्तान में हर बंदे के मुंह पर कुदरत का निजाम छाया हुआ है, अल्लाह का निजाम छाया हुआ है और अल्लाह का नाम हर किसी के मुंह में आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो अब इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखी जा रही है।